स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके 9 से लेकर 12 पार्ट्स तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ़ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, उनके लिए हमें चेक करना है कि AP कौन सी बनती है। अगर AP बनती है तो उसका कॉमन डिफरेंस D और 3 और टर्म्स हमें लिखने हैं। फाइन, तो उसके लिए आपको AP की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि AP होती क्या है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कराया। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे ये वाला था 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें हर एक टर्म जो है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, इसे हम AP बोलते हैं। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, जैसे हमें ये 9th पार्ट में गिवन है 1, 3, 9 and 27। इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी AP बनती है या नहीं बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको मैंने मार्क कर दिया, दिस इज़ अ फर्स्ट टर्म, ए भी लिख सकते हैं इसको और ए वन भी लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फाइन, सो पहले हम चेक करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। मीन्स कॉमन डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं, इसका जनरल फॉर्म है an+1 - an। मीन्स जो भी टर्म है, जैसे ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास d आएगा। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो d ऑब्टेन होगा फिर से। ठीक है, दिस इज़ an+1 - an। n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 फिल करते हैं तो दिस इज़ a1, और ये किस में से माइनस हो रही है, a1+1, दैट इज़ a2। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं a2 - a1। सो हमारी सेकेंड टर्म क्या है, 3, एंड फर्स्ट टर्म इज़ 1। सो 3 - 1 इज़ 2। सो फर्स्ट केस में हमारा जो d है वो 2 आ गया। देन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारी क्या है, 9, और 9 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड टर्म को, दिस इज़ 9 - 3 = 6। तो ये अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम नहीं बना। ठीक है, इक्वल नहीं बना। तो अगर ये इक्वल ही नहीं बन रहा है तो ये AP नहीं है, क्योंकि AP में एक फिक्स नंबर, मीन सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अगली टर्म्स ऑब्टेन होती थी। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट एन AP। अगर आपको थर्ड टर्म फिर से एक बार चेक करना है तो इसे ये a4 - a3 भी हम करके देख लेते हैं। फोर्थ टर्म इज 27, और उसमें से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं 9 को, सो ये हमारे पास बन रहा है 18। सो ये फिर से हमारे पास सेम नंबर नहीं बना। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एज द कॉमन डिफरेंस, d is not same, so the list of numbers, list of given numbers do not form an AP, तो अगर AP नहीं बनती है तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो भी नहीं लिखना है, और अगली जो टर्म्स है वो भी फाइंड आउट नहीं करनी है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज ओवर हियर। अब हम करते हैं अपना टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट क्या है हमारा, दिस इज ए, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही जैसे मार्क करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये मार्क करके अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज कॉमन डिफरेंस इज a2 - a1, दैट इज 2A - a। दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में a है, तो यहाँ पे हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज़ 1, और साथ में ये जो वेरिएबल है हमारा वो भी आ जाएगा, दैट इज़ 1A, और इसको हम सिर्फ a लिख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज फिर से हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर वो a आ जाता है तो येस, दिस इज़ एन AP। ठीक है, तो यहाँ पे 3A थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 2A। फिर से ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3 - 2 = 1 अगेन, और a साथ में एज इट इज़, सो दिस इज़ अगेन a। देन फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वो भी हम चेक करेंगे कि उसका आंसर क्या बन रहा है। सो दिस इज़ 4A - 3A, दैट इज़ 4 - 3 = 1, और साथ में फिर से a आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर कितना बन रहा है, a बन रहा है। ठीक है, तो तीनों जो कॉमन डिफरेंसेज हैं वो सेम आ गए हैं, देयरफोर दिस फॉर्म्स एन AP। देयरफोर द कॉमन डिफरेंस d is same, therefore the list of number form an AP, it forms an
एपी। अगर ये एपी बन रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस लिखना है इसका। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, यहाँ पे हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो कॉमन डिफरेंस डी हेयर इज ए, ठीक है, ऊपर हमने फाइंड आउट कर लिया। देन राइट थ्री मोर टर्म्स, तो थ्री नेक्स्ट थ्री और टर्म्स क्या आ रही हैं, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, वो कैसे आएंगी, देखिए ये फोर्थ टर्म तक तो ऑलरेडी हमें गिवन था क्वेश्चन में, अब हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ये देखिए ये जो टर्म है फोर्थ टर्म, ये अपने से पीछे वाली टर्म में डी को ऐड करने पर, मीन्स ए को ऐड करने पर ये ऑब्टेन हो रही है, थ्री ए प्लस ए इज फोर ए, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम ए ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फिफ्थ टर्म है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो 4a प्लस डी मीन्स 4a प्लस ए, 4a प्लस ए इज 4 प्लस 1 5, और साथ में a जो है वो साथ में वेरिएबल है, तो ये भी साथ में एज ए आ गया। देन सिक्स टर्म इज a 5 प्लस डी, सिक्स टर्म कैसे आएगी, अपनी पीछे वाली टर्म में d को ऐड करने पर, दिस इज 5a, फिफ्थ टर्म हमारी 5a, और बीच में d ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 6 और साथ में a। देन सेवन्थ टर्म अगेन a 6 प्लस डी, दैट इज 6a प्लस डी दैट इज a, ठीक है, सिक्स टर्म हमारी 6a थी, उसमें d को ऐड करेंगे दिस विल बी 7a। तो हमारी जो तीनों टर्म्स हैं वो हमारी क्या बन गई हैं, नेक्स्ट 5a 6a एंड 7a आर द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, आर द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब ये हमारा टेंथ पार्ट भी हो गया, अब हम इलेवेंथ पार्ट करते हैं अपना। This is the 11th part, a, a square, a cube, a 4, a की power 4 and so on. This is the first term, second term, third term, fourth term and so on. ठीक है, अब हम चेक करते हैं d की हेल्प से कि ये हैप्पी है कि नहीं है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, दिस इज सेकेंड टर्म इज a square एंड फर्स्ट टर्म इज a. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो एज इट इज सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें से ए कॉमन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ए की पावर वन है, जो छोटी पावर होती है सेम वेरिएबल की वो हम कॉमन में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, तो छोटा कौन सा नंबर है, वन, सो ए की पावर वन कॉमन आ गया, तो यहाँ से टू में से एक पावर बाहर गई तो एक पावर बच गई, और यहाँ पे ये पूरा a की पावर a जो 1 है ये बाहर आ गई तो यहाँ पे 1 बचा, सो दिस इज a इंटू ए माइनस 1, ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट केस में a2 टू माइनस ए 1 करके। थर्ड में से सेकेंड को माइनस करके देखते हैं, थर्ड टर्म इज a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म इज a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से फिर से जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स जो हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2, छोटी पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचा तीन में से दो पावर्स बाहर गई तो वन पावर बची, माइनस यहाँ पे ये पूरा ही बाहर है तो वन, तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म सेम नहीं बने, है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है a इंटू ए माइनस वन, यहाँ पे है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, तो ये जो टर्म है ये वेरी हो रही है, तो ये सेम कॉमन डिफरेंस नहीं बना, सो दिस इज नॉट एन ए पी। देयरफोर अगर हम नेक्स्ट के लिए भी करना चाहें a4 फोर माइनस a3 तो वो भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमें यहीं से पता चल जाता है फर्स्ट और सेकंड टर्म जो हैं को माइनस करने पर और थर्ड में से सेकंड को माइनस करने पर हमें पता लग गया है कि ये दोनों सेम बने ही नहीं है, तो दिस इज नॉट एन ए पी। द कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, देयरफोर इट डू नॉट फॉर्म एन ए पी, द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन ए पी, हम ऐसे लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन ए पी, फाइन। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं था तो ये ए पी नहीं बनी, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज 12th पार्ट, ये हमने 11th पार्ट किया था, तो दिस इज ये हमारा 11th पार्ट था, 9th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, दिस इज 11th पार्ट, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये ए पी नहीं बना। अब हम 12th पार्ट अपना सॉल्व करते हैं, 12th पार्ट इज रूट टू कॉमा रूट एट रूट 18 रूट 32 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इनको मार्क कर देते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो डी फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 करके, है ना,
A2 कितना है हमारा रूट एट माइनस A1 कितना है रूट टू। फाइन, अब देखिए यहाँ पे रूट एट जो है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं इसकी तो ये बनता है हमारे पास 2 into, ये पेयरिंग हो रही है 2 की, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस रूट टू, है ना। जो जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है उसमें अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें कोई पेयर नज़र आए, जैसे यहाँ पे हमें पेयर नज़र आया 2 का, तो उसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं, और जो नहीं है पेयर उसको हम रूट के अंदर रहने देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 नहीं बना था पेयरिंग में तो इसको अंदर ही रखा हमने रूट के। फाइन, सो यहाँ पे अब हमारा ये जो है लाइक टर्म्स बन रही हैं दोनों के साथ, √2 √2 है। अगर हम कॉमन निकाल रहे √2 को तो ये बच रहा है 2 माइनस 1। सो दिस इज 2 माइनस 1 इज 1, 1 into √2, तो ऐसे लिख सकते हैं √2 into 1, सो दिस इज √2। तो इस केस में जो फर्स्ट केस है उसमें हमारा जो डी है वो बन गया हमारा √2। फाइन, अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू 3rd term minus 2nd term, दैट इज √18 minus √8। तो यहाँ पे फिर से रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। दिस इज 2 into 9, देन 3 into 3, देन 3 into 1, सो दिस इज ये हमारा बन गया, ये पेयर बन गया। सो 3√2 माइनस, यहाँ पे रूट 8 की हम ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी हमने 2√2, तो दिस इज 2√2। अब देखिए यहाँ से भी रूट 2 कॉमन है तो 3 माइनस 2 बन गया यहाँ पे, और 3 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी 3 माइनस 2 कितना होता है 1। सो ये बन गया हमारा √2 into 1, दैट इज √2। सो सेकेंड केस में भी हमारा सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना √2। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, a4 minus a3, दैट इज a4 is √32 माइनस a3 is √18। तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करके देखें तो ये बनता है 2 into 16, देन 2 into 8, देन 2 into 4, 2 into 2, 2 into 1। यहाँ पे देखिए पेयरिंग कैसे हो रही है, ये पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। सो दिस इज 2 into 2, एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना जो पेयर बनते हैं, दिस इज 2 into 2, तो ये बन गया 4√2 माइनस, यहाँ पे रूट 18 ऑलरेडी हम लिख चुके थे, 3√2। तो यहाँ पे फिर से रूट 2 कॉमन है हमारा, सो 4 minus 3 is what 1, सो √2 into 1 is √2 अगेन। तो तीनों केसेस में देखिए हमारा √2 ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हम लिखेंगे देयरफोर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं ये हमें गिवन जो थे वो AP बना रहे हैं, फॉर्म एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D जो है वो हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है कितना, अब हमें कॉमन डिफरेंस भी तो लिखना है एक बार। कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड आउट किया हमने, D इज इक्वल टू √2। फाइन, अब नेक्स्ट जो 3 more terms है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 terms आर, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4th term जो है वहाँ तक तो हमें गिवन था, है ना। 5th term हमें फाइंड आउट करनी है, 5th term कैसे आती है हमारी, 4th term में D को ऐड करने पर। तो 4th term क्या थी हमारी, √32, सो √32 + D, दैट इज √2। अब देखिए ये इस तरह से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, √32 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 4√2, है ना, लिखा ना हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको लिखा था √32 को 4√2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा लिखने पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे पास 4 + 1, यहाँ पे √2 कॉमन करके आप फिर से कर लो, 4 + 1 बच गया यहाँ पे, है ना, तो ये बच गया हमारा √2 into 5, दैट इज 5√2। तो 5√2 को हम वापस कैसे लिख सकते हैं, अगर हम रूट में से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं, जैसे हमने 32 के लिए किया था कि 32 हमारा था इस तरह से √2 into 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज पेयरिंग करके हमने 2 और 2 को बाहर लिख दिया रूट से, और रूट ये जो पेयरिंग के बिना था 2 वो अंदर ही रहा, तो ये बना हमारा 4√2 बना ना। तो अगर हम 5√2 को लिखना चाहते हैं रूट की फॉर्म में पूरा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 5√2 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 2, ये रूट के अंदर जो नंबर है वो 1 time, और अगर जो बाहर वाला नंबर है वो भी रूट के अंदर है तो वो डबल टाइम हो जाता है, मीन्स 2 times उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज 5 into 5 into 2, दैट इज ये क्या बना हमारा 25 into 2, दैट इज √50। तो ये बन रही है हमारी 5th term। देन आगे 6th term के लिए क्या करेंगे, 5th term में हम D को ऐड करेंगे, सो 5th term यहाँ पे क्या है, √50 + D, दैट इज √2, D हमारा √2 था,
तो रूट 50 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 5√2। देन इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं ऐसे, ठीक है। तो रूट 2 फिर से कॉमन, तो 5 + 1 = 6, 6√2 बनाइए, और 6√2 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 6 को अंदर लिखे जाए अगर रूट के, तो ये 2 times मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दो बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 6 × 6 = 36, 36 × 2 कितना बनेगा हमारे पास, 36 × 2 इज, दिस इज 72। सो रूट 72 बन गया हमारा 6th term, ठीक है, ये हमारी 6th term बन गई। अब हम 7th term को भी लिख देते हैं, 6th term इज 72, रूट 72। 7th term के लिए 6th term में अब हम डी ऐड करेंगे, सो दिस इज रूट 72 प्लस रूट 2। सो रूट 72 को अभी हमने लिखा था 6√2 के इक्वल लिखा था ना, 6√2 प्लस रूट 2, दैट इज 6 + 1 = 7√2 बन गया। अब इसको फिर से हम कैसे लिखेंगे, 7 को अगर हम रूट के अंदर लेके जाएं तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट के बाहर आने पर तो ये सिंगल टाइम हो जाता है, मींस कि रूट के अंदर क्या था, ये डबल टाइम मल्टीप्लाइड था अपने आप से, ठीक है। सो दिस इज 49 × 2, सो 49 × 2 इज व्हाट, 98। सो दिस इज रूट 98, ये हमारी 7th term बन गई, फाइन। तो हमारी तीनों टर्म्स क्या आई फिर, रूट 50 5th term, 6th term इज रूट 72 एंड 7th term इज रूट 98। These are the next 3 terms. Fine? तो अगर आप यहाँ पर आंसर छोड़ना चाहेंगे, जैसे 5√2 भी आंसर ठीक है, 6√2, 7√2 ये आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जिस तरह से हमें क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है तो वैसे ही हमें अपना आंसर भी देना होगा। सारे जो नंबर्स हैं ये रूट के अंदर हैं, तो हमें यहाँ पे अपना कन्वर्जन करना ही होगा, वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। फाइन, सो विद दिस द क्वेश्चन 12 पार्ट जो है वो भी ओवर हो गया। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।